अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोल कढ़ी बनाने जा रही हूँ। मैं कोकम की कढ़ी भी बोलते हैं इसको और सोल कढ़ी भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ये कोकम भिगते रखा है पानी में। थोड़ा पानी डाल के इसको भिगते रखने से अच्छा रस भी आता है। और ये नारियल का दूध निकाल के ली हूँ। एक वाटी नारियल का चून निकाल के अच्छे से पीस के इसका दूध गाढ़ा गाढ़ा निकाल के लेने का। और ये मैंने 2 चम्मच चावल काटा ली हूँ। हरा मसाला है, नमक है, इसके हिसाब से चेक करके फिर डालेंगे। तेल ली हूँ तड़के के लिए। और ये धनिया है, हरा धनिया। जीरा ली हूँ, कड़ी पत्ता है, लहसुन है, इसको हवन दस्ते में कूट के ली हूँ मैंने। और ये राय है। यहाँ पे मैं गरम पानी रखी हूँ और ये कोकम भिगेले में इसमें अच्छे से थोड़ा पका के लूँगी। और अच्छे से पका के लेंगे थोड़ा। अच्छे से पक चुका है, मैं गैस बंद कर रही हूँ, तो इसको छान के लेंगे। ये छान के लिए मैंने ऐसा पानी इसका, इसमें मैं ये चावल के आटे में थोड़ा पानी डाल के इसको सब पतला बना के लिए हूँ। इसको अच्छे से पका के लेंगे। इसमें हरा मसाला भी डालेंगे, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के, और नमक भी डालेंगे। तो सिर्फ नारियल के दूध में भी ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा पानी निकालने का, लहसुन मिर्ची ऐसा कूट के सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं बगैर चावल के आटे के, वो भी अच्छी लगती है। ऐसे ही भी बनाते हैं इसमें, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं चावल के आटे में नारियल का दूध वगैरह डाल के। ये अच्छे से पक चुका है, इसमें मैं नारियल का दूध ऐड करती हूँ। ऐसी बना के देखो, अच्छी बनती है। इसको अभी तड़का देंगे हम, इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, दूध फट जाएगा नहीं तो। ये तड़का देंगे इसमें, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे, थोड़ी फ्राई करके लेंगे इसको लहसुन पर। कड़ी पत्ता भी डालेंगे, कड़ी पत्ता धोखे डालने का, कचरा रहता है इसको लगेगा। जीरा भी डाल रही हूँ। लहसुन को थोड़ा कलर आ लेंगे फिर डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ उसके कोथमीर भी डालेंगे, हरा धनिया। दो मिनट जरा सच पका के लेंगे इसको। ये अच्छे से ये हो चुकी है, इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, कर्ड नहीं लेंगे ना इसको। ये हो चुकी है, नमक टेस्ट के हिसाब से चेक करके फिर से डालने का इसके अंदर। तो हो चुकी है अभी। मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। मैं सर्व करती हुई अभी।